हम तो गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। और आज ही तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम 3-4 जगह से झंडा फहरा के आए, तो उस हिसाब से हमारी तरफ से तो स्पष्ट है। अब ये जो संशय आप लोगों की मीडिया में चल रहा है, वो संशय हमारे लिए भी रहता है। दूर कर दीजिए सर। नहीं, संशय दूर करना, इस गठबंधन की मुखिया कौन है, गठबंधन किनके साथ बना, हमारी ओर से तो आप एक भी टिप्पणी नहीं देख रहे होंगे। तो मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शाम तक ये जो संशय कंफ्यूजन ये इधर उधर वो सब स्पष्ट हो जाए, ताकि बिहार अपने हित पर, बिहार के युवाओं के हित पर हम जो ये 4-5 दिन से चीजें देख रहे हैं वो खारिज हो जाए। आपको लगता है शाम से पहले कोई बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ले सकते हैं? आप देखिए, मुख्यमंत्री जी के फैसले पर मुझसे क्यों टिप्पणी ले रहे हैं? मैं तो इधर से जा रहा था किसी मीटिंग के लिए, आप लोगों को देखा तो रुक गया। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो चल रहा है या चलाया जा रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे, वही इसको रिजॉल्व करें। सर सर सर, एक मिनट सर, आप कह रहे हैं कि संशय बरकरार है, ठीक है, आपको लग रहा है कि हो सकता है कहीं बीजेपी फिर से उधर न चले जाए, सामने वाले को तो ये लग रहा है कि आप लोग भी कुछ खेला करने वाले हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने इस तरह का खेला कभी नहीं किया, और क्यों करें? माननीय मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है और सब कुछ सुचारू चल रहा है। ये जो संशय बना, मेरा उस पर सिर्फ एक टिप्पणी थी आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं, उनको भी लग रहा है ये असमंजस ठीक नहीं है, वो इसको रिजॉल्व कर, वो चले जाते हैं तो आपका मुंह क्या होगा? देखिए, एक मिनट, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पर जवाब देना हेतु मत पूछो वाला मामला। संशय कहीं ना कहीं पूरे बिहार की जनता में है और पूरे देश में चल भी रहा है, तो क्या संशय खत्म होना चाहिए? देखिए, सीधी तौर पे मैं ये बात फिर से दोहरा रहा हूँ, 9 अगस्त 22 को जब ये गठबंधन बना, उसकी बुनियाद की ईंट आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, लालू जी और तेजस्वी जी ने रखी। उस ईंट की तासीर थी कि हमें भाजपा के भय, भूख और घृणा वाली जो राजनीति है, उसको विराम देना है। और उसमें कामयाब हुई, सृजन का सिलसिला चल पड़ा और वो चल रहा है। आज भी उप मुख्यमंत्री जी साथ साथ मुख्यमंत्री जी के थे। लेकिन ये जो संशय की बात जो लोग करते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि ये संशय, मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी टेलीविजन देख रहे होंगे, मुझे यकीन है कि वो शाम तक इसका खंडन कर देंगे। कहीं ना कहीं से महागठबंधन को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो संशय बना हुआ है जनता में, आपके नहीं, महागठबंधन को नुकसान। देखिए, बिहार बहुत अरसे बाद हम लोग एक प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स में गए हैं और वो बरकरार रहेगा, ये संशय के बादल छट जाएंगे। एक बड़ा सवाल है, मैं उतना बड़ा, उतनी बड़ी हैसियत का आदमी हूँ नहीं। अखिलेश यादव, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।